Ayushi Podar is currently India number 2 in 50m 3-position rifle category in senior division. She started training when she was 13-year-old under her father Pankaj Podar at Serampore Rifle Club. Just after 1 year of her training, she played her first junior nationals at Dr. Kani Singh Shooting Range, Delhi in 2014. Thereafter, Ayushi kept winning national and international titles and recently clinched a silver medal in 62nd National Shooting Championship in 50m 3-position in juniors and 2 gold medals in 10m air rifle team event in juniors and youth in Trivandrum, Kerala. Ayushi says her new imported rifle has played an important role in her success. "If I have been able to shoot my personal best, that's all because of my new imported rifle, model Blyker Lady Challenger 2, from Switzerland, which cost around 7 lakh rupees." She told NNIS Sports that last May, when the Amphan typhoon hit her home in Hooghly, West Bengal, the whole area got flooded, but she somehow managed to save her precious equipment. The pandemic also took its toll as she was unable to practice. "Only now things are coming back to normal." Ayushi strongly believes that one should not quit easily. No matter which sports, what age and what situation you are in, always keep yourself motivated and be patient at every moment of your life. One day you will definitely shine as a star. My parents played very important role in my life. Amphan ke time pe, yes, that time actually us time bahut hi crucial tha kyunki hamara jo room hai, matlab flat jo hai, us time mein itna matlab fourth floor pe hai, magar itna amphan ka jo wind ka itna strong tha, wo usme saath pura barish bhi balcony se andar aaya, और अंदर आके फिर दो रूम के विंडोज से भी आया था, मतलब विंडोज बंद था, उससे भी मतलब साइड से आया था। ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मतलब इतना ज्यादा कुछ होने वाला है, तो मतलब वेपन्स सारे स्टोर करने के लिए मतलब इतना ज्यादा पानी हो गया था रूम में, तो फिर एंड में जाके शॉ क्यूबिकल्स में जाके स्टोरेज करना पड़ा। तो और फिर हम लोग एमुनेशन एंड राइफल्स पहले फर्स्ट टाइम उसको पहले सिक्योर किया, मतलब सारा रूम पे पानी था, तो इससे हम लोग क्या एक हमारा वॉशरूम में एक शावर क्यूबिकल है उसमें ही थोड़ा सेफ था, चारों तरफ से गार्ड था, तो उसमें अंदर में मैंने हम लोग रख दिया थे, और बाकी पूरा जितना भी हमारा तब उसमें हमारा वार्डरोब नहीं था घर पे, पूरा सारे उसका किट वगैरह जो भी था वो सब फ्लोर में ही था, तो उसमें बैग बैग में था, तो उसमें एक तो शूज का पूरा बैग भीग गया, और बहुत सारे ड्रेसेस मतलब बहुत सारे टी शर्ट्स और ये सब खराब हुआ, तो लास्टली मतलब ऐसे भर करके भी सेव कर पाए हम, मतलब कोई इशू ऐसा ज्यादा नहीं हुआ, थैंक गॉड। एक्चुअली कोविड ऐसा आया तो ऑब्वियसली भी हमें वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जैसे फ्यूचर में क्या होने वाला एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें यही पहले सिखाया जाता है कि जैसे भी सिचुएशन हो हमें उसे ओवरकम करके निकलना पड़ेगा, तो इट्स ओके कि ये आया, मतलब ऐसा सिचुएशन आया, बट उसके बाद इवन हमारे कुछ वर्ल्ड कप्स थे, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, बट ये कैंसिल हो गए सारे मैचेस, बट स्टिल एक वो था कि फर्स्ट टाइम मैं सीनियर में खेलती, बट सारे मैचेस कैंसिल हो गए, तो थोड़ा सा दुख हुआ, बट मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि चलो ये एक टाइम जो एक एथलीट को हमें, स्पेशली शूटर्स को हमें मिलता नहीं है उतना टाइम प्रिपरेशन करने में, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स कंटिन्यूस होते रहते एक के बाद एक, तो वो एक जो प्रिपरेशन टाइम चाहिए जिसमें हम थोड़ा सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो वो हमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये अभी एक बहुत ही अच्छा टाइम मिला है जब हम मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपने पोजीशन के साथ, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हेल्पफुल हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल पीरियड। मतलब मैं इतना सोच रही हूँ कि जैसा भी सिचुएशन हो उसमें से उसकी पॉजिटिव चीजें ही मैं देखूँ, नेगेटिव्स ना देखूँ, तो इट्स ओके जब मैचेस होंगे, वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑब्वियसली।